हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो मैं आपके लिए आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का मैथ का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ आपके 9th क्लास के लिए। और यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में 100% आने वाला है। तो सभी क्वेश्चनों को जल्दी से नोट कर लीजिए, सभी क्वेश्चनों के मैं सॉल्यूशन भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से करेंगे और नोट भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, देखिए, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, यह क्वेश्चन पेपर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, बहुपद है ये, इसमें एक्स का मान 2 दिया है, तो इस पूरे बहुपद का मान क्या होगा? तो एक्स का मान रख दीजिए इसमें, तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 और 4 का गुणा 16 प्लस 3 हो जाएगा, तो 10 और 3 = 13 में से 16 घटाएंगे तो -3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाई अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी क्या होगी? तो बाई अक्ष से सभी को पता है ये एक्स अक्ष होती है और ये बाई अक्ष होती है, तो ये 3.4 है, तो एक्स पे 3 और बाई पे क्या है 4 है, तो लगभग यहाँ पे होगा। तो ये पूछ रहा है बाई अक्ष से, तो बाई अक्ष से दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बाई अक्ष से लंबवत दूरी 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये -4, -4 कौन से अक्ष पर है? तो दोनों माइनस के तीसरे चतुर्थांश में होते हैं, तो तीसरा चतुर्थांश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद शून्य बहुपद की घात बताना है, तो शून्य बहुपद की घात क्या होती है? तो यहाँ पे इसका अपरिभाषित हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 7, -6 है, इसमें कोटि क्या है? तो एक्स जो होती है वो कोटि होती है और बाई जो होती है वो भुज होती है, तो इसमें -6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको सत्य असत्य आपको बताने हैं, सत्य और असत्य। तो मूल बिंदु से भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती हैं, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं 0.0 होते हैं, तो इसकी भुज भी 0 हो गई और कोटि भी 0 हो गई। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है, ये भी सही है। इसके बाद इसमें देखिए, x³ - 2x² + 1 है ये, इसमें x² का गुणांक 2 है, तो x² के गुणांक की बात करें तो -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके बाद 2, -3 दोनों अक्षों पर स्थित हैं, तो ये गलत है। 2, -3 लगभग कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, तो ना तो ये x अक्ष पर है और ना ही y अक्ष पर है, तो ये क्या है? ये क्या है दोस्तों? अंतरिक्ष में है। वहाँ क्या है दोस्तों? 3D में है ये त्रिबिंब। तो नेक्स्ट है, देखिए, बिंदु दो कौमा तीन दोनों, ये हो गया, √2 बहुपद का घात क्या है? तो √2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 1/2 भी लिख सकता हूँ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो छायांकित भाग, तो एक वृत्त है और इसमें चार हिस्से हैं इसके, तो ये 1, 2, 3, तो नीचे टोटल हिस्सा आता है और छायांकित कितना हिस्सा है? तो पहला हिस्सा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4, मतलब चारों हिस्सों का 1 छायांकित है, तो 1/4 हो जाएगा। 5 का भाग इसमें देने पर शेषफल 0 आएगा, क्योंकि क्या है ये? 5 से भाजक है, ये 5 से भाज्य संख्या है ये। इसके बाद देखिए, इसका आंसर निकालना है, तो अगर इससे काटेंगे तो 3 × 4 = 12 हो जाएगा, और 4 हो गए, और 4 से इसको काट दो, 2 × 2 = 4, और 2 से क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8, तो 8/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लीजिए, 6, 3 × 6 = 4, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, 2 + 2 / 2, तो पहले डिवाइड होगा बोर्ड मास नियम से, तो 2 में 2 का भाग देंगे 1 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, आपको मिलाना है, इसमें कितने हैं? 8 हिस्से हैं, तो टोटल ऊपर आएगा, नीचे आएगा, और इसमें कितने हिस्से छायांकित हैं? तो 7 हिस्से छायांकित हैं, तो 7/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, 6 हिस्से कितने हैं छायांकित? तो 6/8 हो जाएगा, तो ये इससे मिल जाएगा। 3/4 का मतलब होता है, 3/4 का मतलब क्या हो गया इसमें? देखिए, 3/4 का क्या हो जाएगा? इस मतलब 4 का इसमें भाग देना है, तो ये क्या हो जाएगा? 0.75।
इसके बाद इसका देखिए एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 11 बटे 11 बटे 11 मतलब 1 हो जाएगा। इसका 35 का 5 से का मतलब होता है गुणा, तो 35 गुणा 1/5 हो जाएगा, तो 5 से काट दीजिए, 5 7 35, तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 40% का मतलब होता है 40 और परसेंट हटा के 100 का भाग देते हैं, तो 40/100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए रीटा ने 350 ग्राम बर्फ़ी और रेखा ने 225 ग्राम बर्फ़ी खरीदी, तो कुल कितनी बर्फियां खरीदी, तो यहां पे देखिए कुल दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 और 5 और 2 7 और 3 और 2 5, तो 575 ग्राम बर्फियां, कुल कितने ग्राम बर्फियां, तो 575 ग्राम। या फिर अथवा हम ये कर सकते हैं, सूरज ने एक किताब के 265 पन्ने पढ़े, उसकी बहन ने किताब के 150 पन्ने पढ़े, तो दोनों ने मिलकर कितने पन्ने पढ़े, तो दोनों को जोड़ देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद कितने जोड़े का योग 57 85 होगा, तो 500 में कितना जोड़ें कि योग ये आ जाए, तो मतलब ये 54 83 है, 54 83 में एक्स जोड़ा तो कितना आ गया, 57 85 आ गया, तो एक्स इसमें से इसको घटा देंगे, तो 57 85 में से 57 85 में से क्या घटा देंगे, 54 83 घटा देंगे, तो ये बचेगा 2, ये 0 और ये बचेगा 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, तो 302 इसका राइट आंसर हो जाएगा। या फिर सोहेल के पास 294 रुपये थे, उसने 1000 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने उसके पास बच गए, तो इसमें से इसको खर्च करने वाले में से घटा देंगे, तो टोटल जो बचे हुए पैसे आ जाएंगे। इसके बाद है नीचे दी गई संख्याओं को रेखाओं पर आपको अंकित करना है, या फिर अथवा हमें इसको आरोही क्रम में लिख सकते हैं, तो आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी -7 है, उससे बड़ी क्या हो जाएगी, उससे बड़ी हो जाएगी -1 और इससे बड़ी क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी, फिर 3 हो जाए, इससे बड़ी 3 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 13 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरल कीजिए, तो सरल करना है -15 और -18 हो जाएगा, तो 18 में से 15 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको सरल करेंगे तो -+ हो जाएगा, तो 12 और 23 को जोड़ देंगे तो 3 और 2 5 2 और 1 3 35 हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको सरल कीजिए, तो देखिए -+ हो जाएगा 16 और ये नीचे वाला 4 2 8 हो जाएगा माइनस का, तो 8 में से 2 भाग देंगे तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3/4 भाग का छायांकित करना है, इसका मतलब 4 हिस्से हैं और इसमें से 3 हिस्से क्या करने हैं, काले करने हैं, तो ये ऊपर के हिस्से काले कर देंगे एक छोड़ के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में 4/7 को छायांकित कीजिए, तो 7 टोटल हैं, इसमें से 4 हिस्से आपको काले करने हैं, तो कोई भी 4 आप काले कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका अनुपात में बांटिए, 150 को अनुपात में बांटिए, इसका मतलब 2+3 मिलके क्या है, 150 बन रहा है, इसका मतलब इसके बीच में कोई क्या है, कोई ऐसी संख्या है जो इसको काट रही है, तो ये क्या हो जाएगा, 5x बराबर क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो 5 से काट दीजिए, x का मान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब x का मान इससे गुणा कर दीजिए तो 30 2 60 पहला हिस्सा हो जाएगा और 3 9 दूसरा हिस्सा हो जाएगा, 60 और 90 क्या हो जाएंगे, इसके अनुपात हो जाएंगे। या अथवा में कर सकते हैं, ये क्या है दोस्तों, इसको आप कर सकते हैं, प्रतिशत अंक बताने हैं, 600 में से 400 अंक प्राप्त किए हैं, मतलब 480 इसने प्राप्त किए हैं 600 में से, तो टोटल अंक नीचे लिखते हैं और परसेंट बनाने के लिए 100 का गुणा, तो 0 से 0 काट दो, तो 6 से काट दो इसको, 6 6 5 30 6 6 36 6 47 6 6 8 48, तो 80% इसके नंबर हो गए, 80% प्राप्त किए। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये इसको भी आप कर सकते हैं, इसके बाद देखिए जल्दी से स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम आपके पास कम है, तो देखिए और देखिए शोभा के पास 30 बटन है, तो ये सरल है, उसने करीम को 1/5 भाग दे दिए, मतलब 30 का 1/5, तो मतलब 7 बटन दे दिए और इसका मतलब इसको 10 बटन दे दिए, तो इसने 7 इसको 7 दिए हैं, करीम को 10 दिए हैं, और किसको दिए हैं, किसके पास कितने बटन
बटन हैं, तो इसके पास 7 हैं, इसके पास 10 हैं, तो इसके पास कितने बचेंगे? 17 में से, 30 में से 17 घटा दीजिए, 13, 13 बटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइकल ने तस्वीर, ये क्या है, 7/12 घंटे में समाप्त किया, तो उसी ने 3/4 घंटे, तो किसका समय कार्य किया, तो ज़्यादा समय किसने किया, तो आप बताना है। इसके बाद देखिए, ये भी आप कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो सभी को जोड़ के 4 और 3 7 और 2 9 9 का भाग दे दीजिए, 9 × 2 = 18, तो एक्स का मान 20 आ गया, तो 20 × 2 = 40, 20 × 60, 20 × 4 = 80, तो 40 60 80 इसके प्रत्येक कोण आ जाएंगे इसके, या फिर अथवा में ये कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, ये सरल करना है, 10 × 10 को ग्रिड बनाकर उसके निम्न को छायांकित भाग कीजिए, तो 10 × 10 का आपको एक ग्रिड बनाना है, 10 × 10 का मतलब 10 लंबवत हैं और 10 ही क्या हैं, खड़े हुए हैं, तो इसमें पॉइंट पैंतालीस का मतलब 45/100, तो इसको काट दीजिए, पान नाम 45 और 20 × 5 = 100, इसका मतलब 20 में से 9 इससे आपको रेड करने हैं, ऐसे आप कर सकते हैं, सरल है ये। इसके बाद इसका इसमें भाग देना है, तो ये सभी आपको देखिए, इसमें आप सर्वसमिका लगा सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, होल स्क्वायर खोल दीजिए। इसके बाद देखिए जल्दी से, ये आपके क्वेश्चंस हैं ये, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर कर दें, ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी, थैंक यू।